खरगोन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर चौहान ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चलाए जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी ली। निर्देशित किया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान की जाकर उसे समय पर सलाह दी जाना आवश्यक है। बैठक में सिकल सेल एनीमिया, कुष्ठ, अंधत्व, मलेरिया सहित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की जाकर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कम्युनिटी मोबाइलाइजर धीरज गुप्ता, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीषा मंडलोई, BEE कैलाश छेत्रे सहित CHO, ANM आशा सहयोगी आदि उपस्थित रहे। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर आज आप आए क्या समीक्षा बैठक ली? हाँ, आज हमने सैगांव में समीक्षा बैठक के लिए आए थे कि हमारे जो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर जो हमारे जिले में हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके लिए हमें हमारे जो CHO है, ANM है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सभी को हमको इंस्ट्रक्शन ये दिया है कि हमारे जो क्षेत्र में मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु को रोकने के लिए जो हमें स्वास्थ्य विभाग संबंधी जो भी सेवाएं देना है वो 100% हमारी सेवाएं दे ताकि हम मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को कम कर सकें। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर DS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।